Friends, welcome to our YouTube channel. Now, after the refraction, now we do the refraction through the spherical lenses. अब कहाँ से करेंगे हम? Spherical lenses से refraction take place करेंगे. Spherical lenses. अब भाई दो टाइप के लेंस बताए. First is the convex lens and second one is concave lens. अब कन्वेक्स लेंस को कैसे बनाया? कन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं कि आपको दो टाइप के लेंस दिए जाए, अगर आपको उनको प्रिफर करना है तो कैसे हो कि अगर जो हिस्सा बल्गिंग आउट हो, मतलब जो बीच में से, मतलब मैं बात करूं कि अगर उसके मिडिल पार्ट में से अगर जो बल्गिंग आउट है, बाहर निकला हुआ है और एजेस से थिन है, कहने का मतलब इस टाइप का जो लेंस है, ये लेंस यहां से तो ये क्या है, थिक है, या फिर जो बल्गिंग आउट है और बीच वाले इसे तो ठीक है बट एजेस से क्या है, थिन है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस. कनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं कि जो हिस्सा आपके पास मिडल पार्ट में से तो क्या है, थिन है, और एजेस से क्या है, थिक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कनकेव लेंस. अगर इनकी फॉर्मेशन की मैं आपको बात बताऊं तो आपको क्या करना है कि कोई भी दो सर्कल लेके उनको क्या करना है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हूं. इंटरसेक्ट करने के बाद ये आपके पास जो हिस्सा बना है, ये जो हिस्सा बना है, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं, देन दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज कन्वेक्स लेंस. अब यहां पे ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी. अगर मैं पूरे डायमीटर, ये इसका रेडियस हो गया, अगर पूरे इसकी डायमीटर करता हूं तो इसको बोलते हैं भाई अपर्चर. क्या बोलते हैं? अपर्चर मींस, अपर्चर मतलब इसका डायमीटर. अब सेम केस इसके लिए अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एडजेसेंट आपको क्या करने हैं, दो सर्कल आपको एडजेसेंट रखने हैं. एडजेसेंट रखने के बाद क्या किया, यहां पे सिर्फ इनको मैच किया, उसके बाद अगर मैं यहां से इरेज डाउन कर देता हूं, देन आपके पास क्या बनता है, एक कनकेव लेंस. एक चीज और याद रखने की है कि कन्वेक्स लेंस हैव ऑलवेज इट्स पॉजिटिव फोकल लेंथ. वो हमेशा क्या रखता है, एक पॉजिटिव फोकल लेंथ की फॉर्मेशन करता है, मतलब हमेशा मैग्निफिकेशन उसका जो होता है इलाज होगा. बट अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं तो इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज आपको नेगेटिव लेनी है. कैसी लेनी है, हमेशा नेगेटिव. कन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव फोकल लेंथ और कनकेव लेंस हैज नेगेटिव फोकल लेंथ. ये आपके पास आता है लेंसेज के बारे में. नाउ वी टॉक अबाउट द फोकस. अब इनके फोकस की बात करते हैं. कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस हुआ. अब यहां से अगर ये सनलाइट का पोर्शन लिया आपने, यहां से अगर रे ऑफ लाइट पड़ती है इस पे, तो ये क्या करेगा, अब यहां पे ये इसका भाई ये अपर्चर है, यहां तक रे ऑफ लाइट हमेशा इंसिडेंट होती है. इंसिडेंट होने के बाद अब क्या करेगा, ये एक जगह अब इनको कन्वर्ज करेगा. क्या करेगा, एक जगह कन्वर्ज करेगा, ये फोकस बनाएगा. अब इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, इस साइड से भी रे ऑफ लाइट आ सकती है. इस साइड से रे ऑफ लाइट आएगी फिर क्या करेगा, फिर से वापिस एक फोकस बनाएगा. ये F1 हो गया आपके पास, ये हो सकता है ये F2 हो गया, ये आपके पास हो गया F1. तो दो फोकस का फॉर्मेशन किया. तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो आपके पास F1 और F2 फोकस को सस्टेन कर सकता है. अब कन्वेक्स लेंस आपके पास ये आए इनके फोकस के बारे में, ठीक है. अब कनकेव लेंस के फोकस की बात करता हूं. कनकेव लेंस ये हुआ, ये क्या करेगा, ये अगर सनलाइट है कि रे ऑफ लाइट आएगी, टकराएगा अपर्चर तक, अपर्चर तक टकराया, टकराने के बाद क्या करेगा, इसका काम है डाइवर्ज करना, रे ऑफ लाइट को फैलाना. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे हमारे घर में होते, सॉरी घरों में कहता हूं मैं, ये होते हमारी गाड़ियां होती हैं या बाइक होती हैं, उनकी लाइट क्या होती है, एक जगह फोकस नहीं करती, वो उसको स्प्रेड करती है. या फिर घरों की बात करूं, बल्ब होता है, बल्ब से रे ऑफ लाइट आती है, आने के बाद अब टकरा के टकराने के बाद पूरे कमरे में फैल जाती है, तो इसी प्रकार से वो क्या करता है, पूरे उसका व्यू को लार्ज कर देता है. अब यहां पे तो बनेगा नहीं, ये तो कहीं लाइट जाके मिलेंगी नहीं, बट एक्चुअल में मेरे को ये यहां पे पीछे मिलती हुई दिखाई देती है, तो ये इसका फोकस वन बनाता है. उधर अगर फॉर्मेशन करेगा तो फोकस टू बनाएगा. ये आपके पास इसके आते हैं कन्वेक्स लेंस के फोकस के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अब दूसरी अगर मैं बात करूं कि कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. कौन सा लेंस कहा जाता है भाई, कन्वर्जिंग लेंस. अगर दूसरी टर्म में मैं बात करूं कि कनकेव लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस. कौन सा लेंस है, ये हमेशा डाइवर्जिंग लेंस होता है भाई.
Now we talk about the image formation of the convex lens. क्या बताते हैं भाई? Image formation of convex lens. अब convex lens में कैसे image formation करेगा? अब उसके बारे में बताते हैं. Convex lens. पहले, first आपके पास आता है कि ये आपके पास convex lens हुआ. ये आपके पास कोई भी principal axis हो गया. ये आपके पास इसका optical center हो गया, जिसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ O. या फिर मैं बात करूं C या फिर O. आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे बताया था फोकस बनाएगा F1, ये आपके पास फोकस बनाया F2. अगर मैं यहां पे इसको थिन और थिक भी अगर कर देता हूं, एक साइड से थिन कर दिया एक साइड से थिक कर दिया, तो दूसरी फोकल लेंथ भी फॉर्मेशन करता है 2F1 और यहां से फॉर्मेशन करेगा 2F2. तो अब यहां पे ये कन्वर्जिंग लेंस है, मेरे को पता है. अब फर्स्ट इमेज, अगर ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया कहां पे? इन्फिनिटी पे. कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया इन्फिनिटी पे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे अब स्टार्स की बात करता हूं, जैसे हमने अर्लियर पार्ट जो हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो था उसमें भी हमने एग्जांपल बताया था क्या, कि अगर मैं इन्फिनिटी पे जैसे स्टार्स की बात करता हूं तो मेरे को कैसे दिखाई देता है? बिल्कुल पॉइंट साइज का छोटा सा. कैसे? कि यहां पे ये आपने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी पे रखने के बाद जैसे ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई. अब इंसिडेंट होने के बाद ये रेयर था, लेंस में गया तो डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से जाकर क्या होगा? अब रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा. अब रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा, देन ये क्या होगा? इसका मतलब है कन्वर्जिंग लेंस, मींस लाइट को कन्वर्ज करेगा. ये लाइट इसने क्या कर दी? कन्वर्ज कर दी. कहां पे? फोकस पे, F2 पे. मींस अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी प्लेस किया तो इमेज कहां बनी आपके पास? इमेज बनेगी एट F2, फोकस पे बनेगी. अब एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मिल रही है, मेरे को स्टार्स एक्चुअल में दिखाई देते हैं, इट मींस वो कैसे हैं? रियल एंड इन्वर्टेड. ये एक्चुअल जो आपके पास रियल और इन्वर्टेड की, मैं रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल जो इरेक्ट की बातें कर रहा हूं वो हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं. तो यहां से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. कैसी बनेगी? बिल्कुल पॉइंट साइज की, पॉइंट साइज इमेज बनेगी. ये आपके पास है अगर ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया है? इन्फिनिटी पे. नाउ एज अब हमने इन्फिनिटी वाली इमेज को बना लिया, अब सेकंड इमेज की बात करता हूं. सेकंड इमेज कहां होगी? अब धीरे धीरे लेंस की तरफ बढ़ना है, लेंस की तरफ बढ़ूंगा तो अब कहां आएगी? अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बियॉन्ड 2F1, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 प्लेस किया, ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया, रे ऑफ लाइट जाएगी हमेशा अपर्चर तक पहुंचेगी रे ऑफ लाइट. ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ है, अपर्चर तक ऑप्टिकल सेंटर तक गई, उसके बाद क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा. कन्वर्ज करेगा तो किस में से पास आउट होगी? फोकस में से. ये आपके पास कन्वर्ज करके किस में से पास आउट होगी? फोकस में से. दूसरी, अब अगर रे ऑफ लाइट जाएगी वो किस में से जाएगी? वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से. ऑप्टिकल सेंटर में से ही जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर में से ही वापस बैक डाउन हो जाएगी. अब आपके पास जैसे ही रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, ये पास आउट करेगा. ये पास आउट किया तो आपके पास, ये आपके पास इमेज फॉर्मेशन बनेगी. ये आपके पास इमेज फॉर्मेशन बनी. इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर आपने बियॉन्ड 2F1 रखा है तो इमेज बनी है कहां पे? इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में. कैसी? रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड बनेगी. साइज में कैसी बनेगी? जब दूर रहेगी लेंस से तो स्मॉल इन साइज, और जैसे जैसे नजदीक जाओगे तो वो साइज बड़ा होता चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, ये चीज जो होती है बियॉन्ड 2F1 वाली, अगर मैं प्रोसीजर बताऊं आपको तो बियॉन्ड 2F1 वाली जो प्रोसेस आती है वो हम किस में यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैमरा पे, कैमरा की जो होती है हमारे पास, वहां पे यूज कर सकता हूं इसको. कि कैमरा में क्या होता है कि बियॉन्ड 2F1 रखता हूं तो आपको कैसा दिखाई देता है? बिटवीन F2 एंड 2F2 दिखाई देता है और साइज में भी स्मॉल बनती है.